चलिए तो गणित में आज हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो, जहां परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हो, लिखिएगा आज गणित में, क्योंकि आज का जो परसेंटेज का सवाल है पीछे आप लोगों जो पढ़ते आ रहे हैं उसी के आधार पर है, किंतु इसमें सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ी जो समझ आपकी है वो ये है कि परसेंटेज के जो सवाल है जो हमने आपको पढ़ाए हैं एक आधार बेस पर बिना किसी नियम बिना किसी फॉर्मूले बन रहा है, या तो लगातार क्रमिक वृद्धि हो रही है, वृद्धि कमी कमी वृद्धि हो रही है, या लगातार कमी हो रही है। जब क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी हो तो इस तरह में हम पहले जो मान होता है उसको लिखने के बाद उसमें कमी और वृद्धि करते जाते हैं, बाद में हमें परिणाम प्राप्त हो जाता है या बाद में हमें मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लोग प्रश्नों में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, प्रश्न में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा चेक कर लीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय दर समय मिलती रहे। आज की जो टॉपिक है प्रश्न लिखिएगा, ऐसे हम जनसंख्या पे आधारित प्रश्न कराएंगे। आज का जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, परसेंटेज में ही होगी जनसंख्या, जो जनसंख्या पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होगी। किस पर होगी? जनसंख्या। ये जनसंख्या का प्रश्न ऐसा है जिसे आप लोग इसके पहले एक सूत्र का प्रयोग करते थे चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन आज से ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रश्न लिखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने के बाद 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? प्रश्न को ध्यान से लिखिएगा, जो मैंने बोला है जो साथी फेसबुक पे लाइव हो सभी को शेयर कर दें। प्रश्न को मैं रिपीट कर देता हूं, एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, एक नगर की जो जनसंख्या थी वो 8000 थी, ठीक। जब नगर की जनसंख्या 8000 थी तो प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होने के बाद 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? जल्दी से हल करिए, हल करके कमेंट करके आप हमें जवाब दीजिएगा। जो भी साथी लाइव है, चाहे वो फेसबुक पे लाइव हो चाहे वो यूट्यूब पे लाइव हो, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे और साथ ही साथ शेयर कर देंगे ताकि जो साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं वे साथी भी जुड़ सके और जुड़ने के बाद पढ़ सके। हमारा उद्देश्य है आपको हर हाल में सिलेक्शन दिलाना, क्योंकि तभी सिलेक्शन के दावेदार हम और आप होंगे जब इस मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि प्रश्न लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके तथ्यों को समझना ये सबसे बड़ी बात है कि कैसे इस प्रश्न को हल किया जाए, कि कम समय में आप प्रश्न को लगा लें बिना किसी नियम बिना किसी फॉर्मूले का। और आज आप करेंगे भी ऐसा नहीं है कि हम अपने ऐसा कह दिए कि अरे सर ये तो कह दिए लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए, इस फॉर्मूले को जो लगाया जाता है जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग यूज करते थे वो ये यूज करते थे, ए बराबर पी 1 प्लस r/100 एक चक्रवृद्धि का सवाल हुआ करता था, आप इस चक्रवृद्धि के सवाल के माध्यम से हल करते थे। लेकिन मैंने आपसे पहले वादा किया है, आज जो जिस क्रम की वीडियो देख रहे हैं आज तक हमने किसी भी अभी तक फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, तो आज भी हम किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे और इसी क्रम में आगे भी आपको हल कराते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड हम आपका समय इसलिए लेंगे कि वीडियो को हम शेयर कर दें, ठीक है, ताकि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उन तक हम वीडियो को ये पहुंचा सके। 1-3 से 40 सेकंड हम आपका लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेना चाहेंगे, हम आपका स्वयं ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, क्लियर। कह रहा है प्रतिवर्ष 5% की जनसंख्या में वृद्धि होती है, 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? पहले वर्ष जो जनसंख्या बढ़ेगी वो क्या होगी? 105/100 फिर गुणे
105/100 फिर गुणे 105/100 जो नियम हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसी नियम से इस प्रश्न को हल करेंगे बिना किसी सूत्र बिना किसी फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे हम लोग को ना कोई सूत्र यूज करना है ना कोई फॉर्मूला यूज करना है। आइए हल करते हैं। ये देखिए ये दो लड्डू, यह दो लड्डू से यह लड्डू इस लड्डू से कट गया। क्लियर। अब ध्यान से देखते हैं। अब अगर आप काटेंगे तो ये 100 बचा है तो आप 5 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 5 से काटेंगे तो 5 × 10 2 से काटेंगे 8 को तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 21 और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 5 से 4, 4 से काटेंगे 4 खत्म। ऊपर क्या बचेगा 21 × 21 × 21 बराबर 9261। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। यह फॉर्मूला कोई नहीं है, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे थे उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम आपको किसी प्रकार का कोई नियम नहीं पढ़ाएंगे, बिना किसी नियम बिना किसी फॉर्मूले के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रश्न क्या कहा था, प्रश्न कहा था कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है, 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के बाद 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। मैं इसे दोबारा बता देता हूं, दोबारा बताऊंगा तब तक बताऊंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, और परीक्षा में स्कोर करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी होता है। एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी। क्लियर। अब कह रहा है प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होने के बाद 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या होगी, तो माने पहले वर्ष कितनी बढ़ेगी 105/100 फिर गुणे 105/100 फिर होगी 105/100। क्लियर। अब इसी को काट कर छोटा कर देंगे तो आपका उत्तर सीधा आ जाएगा 9261। अगर इसी प्रश्न में, मैं ध्यान सुनिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना, इसी प्रश्न में अगर थोड़ा सा बदलाव कर देता तब क्या होता, ध्यान से प्रश्न को लिखिएगा। यही प्रश्न का उत्तर यही है। एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के बाद 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या में कितने लोगों की या कितने व्यक्तियों की वृद्धि होगी। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या 8000 थी, 9261 हो गई, तो कितने बढ़े 1261 लोग बढ़े, कितने बढ़े 1261 लोग बढ़े। इस प्रकार आप दिए गए प्रश्न को आसानी से कर लेते, आसानी से आप समझ लेते। यहां तक किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बेधड़क कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का पूरा पूरा जवाब देंगे। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिए आप। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या 13,310 हो जाती है, 13,310 हो जाती है, 13,310 हो जाती है। तो उस नगर की जनसंख्या क्या थी। जो भी साथी लाइव हैं वो इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर देंगे, अगर जो साथी फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर देंगे, जो साथी से यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। जी हाँ, ठीक है, जल्दी सवाल करके बताइए। देखिए एकदम सरल सवाल है, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 10% एक नगर की जो जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के बाद 3 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या 13,310 जाती है। आइए इसको हल करते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं, माना नगर की संख्या नहीं पता थी, एक्स थी कितनी बड़ी 10, 110/100 फिर 110/100
सौ बराबर, अब नगर की जनसंख्या थी 13,310। क्लियर हुआ? जब नगर की जनसंख्या प्रारंभ में नहीं दी गई थी तो उस नगर की जनसंख्या यक्ष मानेंगे, पहले क्या मानेंगे यक्ष मानेंगे, फिर यक्ष मानने के बाद पहले वर्ष 10% बढ़ी 110/100, दूसरे वर्ष 110/100, तीसरे वर्ष 110/100। ठीक है, अब बताइए, अब इसको जब हल करना होगा तो कैसे हल होगा बताइए। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम अंश कांश को हर से काट देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक लड्डू से इसका लड्डू, इसके लड्डू से इसका लड्डू, इसके लड्डू से, अब 11 से काटेंगे तो क्या आएगा 121 जीरो, फिर 11 से काटेंगे 11 मतलब 110, फिर 11 से काटेंगे 11 एक या 10 बचेगा 10 बचा। अब ये बटे में है 100, ये तो यक्ष बराबर ये जाएंगे गुड़े में हो जाएंगे 10 गुड़े ये 10 गुड़े 100, तो एक के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, तो दिया गया प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका 10,000। तो जो नगर की जनसंख्या थी वह कितनी थी 10,000 थी, कितनी थी नगर की जनसंख्या 10,000 थी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? बताइए किसी कोई दिक्कत किसी कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछिए। अभी इसका स्तर बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, इसमें भी स्तर बढ़ेगा। बीच का परसेंटेज गैप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू गैप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू गैप कर सकते हैं, लगातार वैल्यू में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ये इतना हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूल पे लगाना होता तब कैसे लगता, अगर हम सूत्र पे लगाते तब कैसे लगता? देखिए सूत्र पे लगाते तब कैसे लगता, आइए उसको भी बता दें आपको। कुछ लोग कहते हैं सर सूत्र वाला बताइए, जरा सूत्र वाला भी जाने हम। देखिए सूत्र प्रयोग करते हैं तब हम, ए बराबर पी 1+R/100 इसमें लगाते, तो इसमें देखिए पहले लिखते ए क्या दिया है 13,310, पी नहीं दिया है पी 1, आर क्या दिया है 5%, कितना दिया है 10%, 10%, तो 10/100 घाते यान, तो हो जाएगा 13,310 पी, ये हो जाएगा 0,0 कट गया तो 11/10 घाते 3, फिर घाते 3, फिर लिखते 13,310 बराबर पी गुड़े 1331 बटे 1,000, फिर इसी को काटते तब जाके आपका उत्तर प्राप्त होता। अभी 3-4 प्रक्रियाओं नीचे जाएगा, लेकिन हम लोगों ने एकदम एक बेसिक ट्रिक यूज किया। अगर आप सभी को, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वाई टाइप करे, नहीं समझ में आया तो यन टाइप करे, क्योंकि अब हम इसी सवाल का टाइप बदलने जा रहे हैं। सवाल यही रहेगा, टाइप चेंज हो जाएगा। यहां तक आपको ये समझना नहीं, आपको जो समझना था वो ये था, आपको ये समझना है हम यही फॉर्मूला पढ़ाते हैं, मतलब यही तरीका पढ़ाते हैं, फॉर्मूला तो पढ़ाते ही नहीं, फॉर्मूला तो गणित में अगर अब याद करने का उम्र बचा नहीं है, अब आपको सिलेक्शन लेने की उम्र है। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, क्लिक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखिएगा, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, 20,000 थी, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई, पुनः तीसरे वर्ष 10% की कमी हुई, इस प्रकार 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, इस प्रकार 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, इस प्रकार 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई, तीसरे वर्ष पुनः 10% की कमी हुई, इस प्रकार नगर की जनसंख्या में
कुल कितने परसेंट सॉरी कितनी हुई, 3 वर्ष बाद कितनी हुई, कमेंट करके जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइए, जितने लोग लाइव है फटाफट कमेंट करें, पर कमेंट करके जवाब दें सभी लोग, जितने लोग भी लाइव है सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, जितने लोग भी लाइव है, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, ठीक है जल्दी बताइए सभी लोग। आइए देखिए हल करते हैं, कह रहा एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, तो पहले वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो कितना लिखेंगे, 120/100 गुणे, फिर अगले साल 10% की कमी हुई, कितने 10%, तो कितनी हो गई 90/100, फिर गुणे 90/100। अब कह रहा है 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो जल्दी कमेंट करके बताइए, ओ माय गॉड, एक मिनट रुकिएगा, लाइट कट गई, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, लाइट कट गई, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि नगर जनसंख्या 20,000 थी, पहले वर्ष 20% की कमी हुई, वृद्धि हुई 120/100, फिर कह रहा 10% कमी हुई तो 90/100, फिर कह रहा 10% कमी हुई तो 90/100, इस प्रकार इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, बताइए क्या हम लोगों ने कोई फॉर्मूला यूज किया, क्या हम लोगों ने कोई नियम यूज किया, नहीं, एक बेसिक तरीका यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार कल भी हम लोग मतलब इसके बाद का भी जो लेक्चर लेंगे वो एकदम इसी पे आधार पे, आय व्यय पे आधारित, कोई व्यक्ति कैसे कमाता है, खर्च पर खर्च करता है, परसेंटेज खर्च करता है, तब उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत सारे से सवाल है जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन अगर एक बार आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी, बाकी आपकी इच्छा, बस एक दो मिनट कुछ सेकंड और लगेगा बोर्ड स्टार्ट होने में, तब तक इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने फेसबुक के पेज पर, और शेयर करने का मतलब यही होता है कि व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा, अपने स्टेटस पर लगाइएगा, कहिएगा मत क्यों लगा दीजिएगा, कहने से नहीं होता, ठीक है। हमने देखा कि एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 20,000 थी, 20,000 नगर की जनसंख्या थी, पहले वर्ष बढ़ा कितना, 120/100 हुआ, फिर गुणे 90/100, फिर 90/100, यहीं से एक प्रश्न भी और बनेगा आपका, वो भी बताऊंगा कैसे, देखिए ये दो जीरो से इसका लड्डू इससे, इसका लड्डू इससे, 12 × 24 × 9 या 12 × 9 108 / 12 × 9 108 फिर 9 × 2 = 18 यही होगा ना, जी हाँ यही होगा, जरा बताइए कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 × 9 = 108 बता था, 2 बचा था, 9 × 2 = 18 तो हो जाएगा 0 × 18 = 144 क्लियर, 19,440 सबको आया है, 3 वर्ष बाद जो नगर की जनसंख्या होगी वो होगी 19,440, एक बार आप लोग मिला के देख लीजिएगा 19,440, क्लियर हुआ, जो लाइव देख रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ठीक आगे लिखिएगा। अब देखिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन कर देता तब क्या होता, प्रश्न को दोबारा लिखिएगा, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, पहले 20% की वृद्धि हुई पहले वर्ष,
दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई, पुनः तीसरे वर्ष 10% की कमी हुई। इस प्रकार जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, इसे हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है आइए उसको बता देते हैं, फिर दूसरा तरीका क्या है वो बताते हैं। एक तरीका तो आपको सिंपल ये मिल जाएगा कि इस तरह से अपने लगा लिया, तो पहले जनसंख्या कितनी थी 20,000 थी, पहले जनसंख्या कितनी थी 20,000 माइनस 19,440। जैसे क्या वृद्धि हुई, कमी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है तो 660, तो 660 बटे 660 बटे 20,000 परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो ये दो जीरो इस दो जीरो से, यह दो सॉरी यह जीरो इससे, दो दहा में 20 और ये काटेंगे तो 2 से 33, तो हो जाएगा 33/10 तो बराबर प्लस 3.3% की वृद्धि। ये तरीका, लेकिन एक सरल तरीका भी है। इस तरीका को निकालने के लिए क्या करते, एक बार हमें ये निकालना पड़ता फिर लगाते। लेकिन हमने आपको प्रारंभ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एकदम बेसिक, करा एक नगर की जनसंख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, फिर 10% कमी हुई, इस प्रकार नगर की जनसंख्या पे कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए उसको हम जानते हैं, वो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो उसको हल करने का एकदम आसान तरीका था, और तरीका क्या आसान था, माना नगर की जनसंख्या 100, माना नगर 20,000 मत लिखे, माना नगर की जनसंख्या 100 थी, पहले वर्ष कितना बड़ा 20, तो हो गया 120/100, क्या हो जाएगा 120/100, 120/100। दूसरी बार 90/100, फिर 90/100, इसी को हल करना है। आइए हल करते हैं, हमने क्या देखा, 100 100 से क्लियर, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, एक बचा है 12 9 108, तो 108/9/10 ये होगा ना, 12 9 108, फिर 9 8 72 9 1 9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बटे 10। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 8 72 फिर 9 1 9। अच्छा यार कुछ गलती हो गई थी क्या, एक मिनट एक ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले में इसमें कमी होगी, कमी इसलिए होगी ना क्योंकि यहाँ पे कम हो गया है ना, यहाँ पे कमी होगी, यहाँ पे कमी होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कमी होगी, और हमने घटाया गलत था क्या, यहाँ पे साथ घटाना गलत हो गया था क्या, 0 6 4 10 6 4 10 560 होता, यहाँ पे 560 होता, यहाँ पे जो प्रश्न आया था वो थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट रुकिएगा हम इसको सही कर रहे हैं, यहाँ पे घटाना थोड़ा सा गलत हो गया था, घटाना गलत हुआ था, होता कितना ये 560, ये होता 560, तब ये कटता तो ये 28 होता, 28/10 होता ना, ये होता यहाँ पे 28, यहाँ पे आता 28, और जब 28 आता तब ये होता 2.8, यहाँ पे कम हुआ है तो माइनस होता, देख रहे ना 20,000 से कम हुआ, कम ही हुआ था। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर 97.2 बराबर -2.8%, ठीक है 2.8%। ये हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाँ 560 आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा क्या, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हल किया। अब बताइए ये सरल लगा किसके पहले वाला सरल लगा, कौन सा सरल लगा बताइए आप लोग, ये सरल लगा कि वो सरल लगा बताइए, बताइए बताइए, ये सही है ना, ये भी जानते रहिएगा और ये भी जानते रहिएगा, दोनों जानते रहिएगा, क्योंकि दोनों, क्योंकि ऐसा परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है।
अब अगर आप कहें तो थोड़ा सा परिवर्तन करूं, इसी प्रश्न को एक नए तरीके से बोलूंगा, सेम प्रश्न को नया तरीका सा लिखिएगा। एक नगर की जनसंख्या, लिखिएगा एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, 20,000 थी, 20,000 थी। पहले वर्ष 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। दूसरे वर्ष 10% की कमी की गई। तीसरे वर्ष x% की कमी की गई। तत्पश्चात 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या 9,440 हो गई, 9,440 हो जाती है, 9,440 हो जाती है। तो बताएं कि तीसरे वर्ष नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई थी। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे प्रश्न को हल करने के बाद। प्रश्न को मैं रिपीट करता हूं, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी, पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तीसरे वर्ष 8% की कमी हुई। इस प्रकार 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या 19,440 हो जाती है। तो तीसरे वर्ष कितने परसेंट की कमी हुई, कमेंट करके बताइए सभी लोग। जो भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जवाब दें, और आपको बेहतर लगे शेयर जरूर कर दिए। आइए देखते हैं भाई, इस प्रश्न को हल करने के लिए देखा जाए क्या तरीका यूज किया जाएगा। कह रहा है कि जो नगर की जनसंख्या थी वो 20,000 थी। भैया 20,000 तो हमें भी पता है। उसके बाद पहले वर्ष 20% बढ़ी तो 120/100, क्लियर। दूसरे वर्ष 10% कमी हुई, 90/100। अब तीसरे वर्ष समस्या बढ़ गई। तीसरे वर्ष कह रहा है कि x परसेंट की कमी हुई, तो क्या करेंगे, 100 - x/100 बराबर। अब नगर संख्या कितनी हो जाती है, 19,440। तो 19,440 कितनी हो गई, 19,440, ठीक है। तो अब इसी को हल करना है, यही हल कर लेंगे, x की जो वैल्यू निकलेगी दिए गए प्रश्न का उत्तर हो। अब आइए, 2 0 2 0 से 2 0 2 0 से, यह 0 इससे, यह 0 इससे, बस अब गुणा करना है। तो आइए देखिए, 12 9 108 बच कट गया ना, 2 0 2 0 से 2 0 2 0 से, 2 0 2 2 4 2 6 0 खत्म। तो ऊपर हो गया 12 2 24 12 9 108 108 2 216। तो आपका क्या बचेगा, 216 × 100 - x = 19,440। ये गुणे में है, ये गुणे में था, तो हम काट सकते थे अंश अंश से, हर हर से, अगर हम चाहते ऊपर ही काट लेते। कैसे काटते, आइए देखिए, 12 से काटते तो 12 × 1 = 12, बचता कितना, 7, यहां पे बचेगा 74, 12 × 6 = 72, 72 बचा 2, 12 × 2 = 24, 0, 1620। 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 8 = 72, 0, 2 से काटे ये क्या हो जाता, 90। आप ऐसे भी काट सकते थे तो आपको मिलता क्या, यहां पे बचता आपको, अगर इस मेथड से लगाते तब, क्योंकि ये तो उसके आगे की प्रक्रिया थी, यहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे अंश कौन से हर से हर को काट सकते थे, ये ट्रिक हो जाएगा, पूरा पूरा ट्रिक, फुली ट्रिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब यहां पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 100 - x = 90। ये माइनस उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 100 - 90 = x, तो x बराबर 10%। आपको यही ज्ञात करना, आपको यही ज्ञात करना। तो कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हुई। अब अगर किसी को दिक्कत, अब किसी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग
दिए गए प्रश्न का एक नया तरीका, एक नया पैटर्न पढ़ेंगे जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा। अब जो हम लोग गणित का पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, एकदम नए तरीके का, अब उम्मीद करता हूं और मैं आपसे चैलेंज देता हूं कि कौन सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लगा के देता है। देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जिसने सबसे पहले लगा के दे दिया इसका मतलब उसको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या सभी लोग तैयार हैं? जितने लोग लाइव हैं बताइए, क्या सभी लोग तैयार हैं? देखिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़े रहेगा। दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़े रहेगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ऑनलाइन क्लास और नोट्स की जरूरत हो तो 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास और नोट्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न बोल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप में से कोई ना कोई जरूर सवाल लगा लेगा। लिखेगा एक नगर की जनसंख्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाए हैं, एकदम बेसिक से लगाए हैं, हमने कोई नियम ही नहीं पढ़ाया। हमारी जो आज की सीरीज चल रही है, मैंने एक भी नियम नहीं पढ़ाया है। कोई भी, जितने भी लड़के रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, कोई भी कमेंट करके पूछ सकता है, बता दे क्या मैंने किसी दिन सूत्र फॉर्मूला पढ़ाया है अभी तक। एक एक वीडियो मेरी 40-40 मिनट की, 50-50 मिनट की हुई है, एक एक घंटे की क्लास हुई है, क्या मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया है? जो अभी तक नहीं पढ़ाया तो आगे भी उम्मीद यही रखिए, क्योंकि मैं फॉर्मूले पे भरोसा नहीं रखता। ये याद करने की उम्र नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है। गणित जो याद करके जाएगा वो इस परीक्षा में भूल जाएगा। एक तो मनोवैज्ञानिक दबाव, दूसरा इतना प्रेशर, तीसरी बात आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझना होगा, गणित की भाषा समझनी होगी। उसके बाद आप एक बार मेरी गणित पढ़िएगा, किसी भी किताब से हल करिएगा, कोई किताब, मैं किसी एक किताब का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी किताब से हल करिएगा। आप कहेंगे वास्तव में गणित इतना आसान है, लेकिन उसके लिए भरोसा करके वीडियो देखनी पड़ेगी, भागते हुए नहीं। कुछ लोग आएंगे देखेंगे चल देंगे, आएंगे देखेंगे चल, तो ऐसे लोग सफलता की दलित पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप बताइए सफल कितने लोग होते हैं आपके आसपास? कितने लोग नौकरी करते हैं 100 लोगों में? 5 लोग, तो 5 लोग रुकते हैं, बाकी सब आते हैं देखेंगे चल जाएंगे, देखेंगे चल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के पश्चात 2 सही 4 बटे 5 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब देगा। जो जवाब दे लेगा उसे मैं ये मान लूंगा कि वो ई लर्निंग में दुर्गेश की सारी वीडियो लेक्चर को अभी तक समझ गया। जिसने भी जवाब दे दिया, एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के बाद 5 सही 4 बटे 5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? यह अगर आपने लगा लिया, यह आज का आखिरी सवाल होगा। उसके बाद आज की जो टॉपिक है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जनसंख्या पे आधारित परसेंटेज के सवाल। बस सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद एक छोटा सा इसमें तरीका आपको बताऊंगा कि परीक्षा के जो प्रश्न आएगा तो उसमें भाषा जो रहेगी, भाषा को डिकोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। गणित को बिना किताब से पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वास्तविकता बहुत ही आसान होता है। प्रश्न को पूरा, जब आपके दिमाग में पूरा माइंड कॉन्सेप्ट सेट रहेगा तो परीक्षा का प्रश्न कैसा भी कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सारी गणित मैं बिना किताब से पढ़ा, तो आज से नहीं 4 साल से उठा के देखिए जब से मैं गणित पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये बात यकीन हो जाएगा कि इसके लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जैसे मैंने किया। गणित में सवाल गलत नहीं होंगे, बताइए आप लोग जो भी लाइव है जल्दी बताएं। वीडियो को शेयर आप करिएगा, शेयर कैसे करेगा? अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, फेसबुक स्टेटस पे डालिएगा, तो जो साथी आपके हैं वो लोग भी देखेंगे, वो लोग जानेंगे कि सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर बेहतर पढ़ा रहे तो उनके काम का होगा। और गणित को
मैं गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा कि ऐसा गणित आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। ये घमंड नहीं, ये गर्व की बात है। अभी का एक चैप्टर है, अभी और देखिएगा। उत्तर नहीं बताया आप लोगों ने, उत्तर बताइए। है कोई माई कलाल? दिए गए प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताए। एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से, और 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के बाद 2 / 4/5 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, जल्दी से बताइए। नहीं बताया कोई? हाँ या ना, यार कमेंट तो करना सीखो आप लोग। शेयर मत किया करो, लाइक मत किया करो, जवाब तो दिया करिए आप लोग। चलिए उत्तर आ गया, और कोई जवाब दे जल्दी से। दो उत्तर आ गया, और कोई? चलिए आइए हम हल करते हैं, आइए हम हल करते हैं, चलिए हल करते हैं सवाल को, हम ही हल करते हैं। कह रहा है कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो 50,000 है, 10% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। किसके दर से? 10% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। लेकिन जो वर्ष है वो कितना है, आइए देखते हैं। जो वर्ष दिया है वो वर्ष ऐसे दिया है, 2 / 4/5 वर्ष। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 4/5, माने ये 2 पूरा है और ये 4/5, तो 2 बार हम लिखते हैं 105% वृद्धि बोला था ना, हाँ 105/100 गुणे 105/100। अब इनकी कहानी खत्म। अब आया 4/5, तो 4/5 को कैसे हल करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, आप भी क्या याद करेंगे। 4/5 है तो जो बचा हुआ होगा उसे दर से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? दर से। दर क्या इसमें? 5% गुणे 5। हमेशा जो भी भिन्न बचेगा उसे दर से गुणा करेंगे, तो ये 5-5 से क्लियर क्या बचेगा, 4। तो मतलब अब कितनी की वृद्धि होगी, 104/100। इसी को आपको हल करना है। जिस व्यक्ति ने हल कर लिया इस गणित का, ये सबसे कठिन और कड़ा सवालों में से एक था। मेरी बात समझ गए आप लोग? कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 5,000 थी, 5%, अच्छा 5,000 मैंने लिख दिया है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी, पहले वर्ष मतलब 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने पर 2 / 4/5 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। पहले आप लोग जितने लोग लाइव हैं वो पहले कमेंट करके इतना बता दे, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आई, क्या जितने लोग इस समय लाइव हमें देख रहे हैं क्या उन सभी को ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। जो मैंने कैसे किया, पहले क्या किया, जो 2 वर्ष था उसको 2 बार तो लिख दिया, पूरा पूरा था। जो बटे वाला कॉन्सेप्ट था, जो बटे का, उसको दर से गुणा करेंगे। हमेशा दर चाहे जितना होता तो दर से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4। तो 4% बढ़ेगा 104/100। आइए अब इसमें चाकू लगाते हैं, तो चाकू कैसे लगेगा ये देखिए। दो लड्डू, क्लियर। अब देखिए अब क्या बचेगा, 5 से काटेंगे तो 21 और 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे तो 21 और 5 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26। ऊपर क्या बचेगा, 5 × 21 × 21 × 21 = 26। क्या बचेगा, 5 × 21 × 21 × 26 कितना आएगा, जरा कमेंट करके बताइए। तो कमेंट करके बताइए कितना आएगा, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। सभी लोग कमेंट करके जवाब दे, जो भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। पांच गुड़े 21 × 21 करेंगे तो 441 हो जाएगा, 21 × 21 × 26 57, 330। तो इसका जो आंसर होगा
वो हो जाएगा 57,330। तो दो सही 4/5 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 57,330। तो बताइए किसका ये सही था, किसका ये सही था। सभी लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग का ये कॉन्सेप्ट सही था। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया हो तभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अच्छा, इसी प्रश्न को चक्रवृद्धि ब्याज में लिखिएगा, सेम प्रश्न, एकदम सेम प्रश्न, ताकि आपको इलेनी बदुर्गेश पर जो भरोसा वो बरकरार रहे। सेम प्रश्न को लिखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, सेम प्रश्न लिखिएगा, लिखिएगा ध्यान से लिखिएगा। 50,000 रुपए की धनराशि पर, 50,000 रुपए की धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 4/5 वर्षों बाद, 2 सही 4/5 वर्षों बाद, 5 बाद मिश्रधन क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सेम यही उत्तर आएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम पढ़े हैं, सूत्र नहीं पढ़ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहेंगे सर हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़े थे सर जी से, अरे चक्रवृद्धि ब्याज कोई सूत्र तो नहीं है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही उत्तर आएगा। मिश्रधन आएगा 57,330, कितना अधिक है तो सीआई कितना आएगा उसका, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा घटा देंगे 50,000 में से तो उसका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 7,330 आ जाएगा। लाइट कट गई, ठीक है ये लाइट कट गई, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है मेरा बार बार लाइट का जाना आना। तो समझ में आया आप लोग सीआई कैसे निकालेंगे, सेम प्रश्न था, 57,330 आया था ना, कह रहा था कि 5,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 4/5 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। आपने कहा सर हम तो फॉर्मूला पढ़े थे, आप तो बिना फॉर्मूला लगा दी। जी हाँ, फॉर्मूला हमारे क्लास में नहीं, ठीक है, एक बार सारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा पूरा जो लास्ट में जुड़े, और क्रमशः सभी वीडियो को देखिएगा, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ना वो समझ में नहीं आएगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट कितना चलेगा आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं पूरी मैथमेटिक्स को इतना आसान कर दिया। अभी बोर्ड को डर लग रहा था, एक सवाल लिखेगा जिसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, अब बोर्ड पे सवाल हल नहीं हो पाएगा तो लिखिएगा सवाल और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम पैटर्न है, लिखिएगा सभी लोग कमेंट लिखिएगा सवाल। एक नगर की जनसंख्या 1,00,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 1,00,000 थी, एक नगर की जनसंख्या 1,00,000 थी, जिसमें 10% प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, 10% प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 7/10 वर्षों बाद, 2 सही 7/10 वर्षों बाद, 2 सही 7/10 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, 2 सही 7/10 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। क्लियर, सेम पैटर्न है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर बोला होता सवाल तब कैसे बोला होता, लिख लीजिएगा, 1,00,000 रुपए की धनराशि पर, 1,00,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 7/10 वर्षों बाद, 2 सही 7/10 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रश्न को लगाना है, हल करके आप सभी को बताना है। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो आप लोग
तो सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास खत्म हो गई, इसको हल करके इसकी जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ेगा, इलेनी विद दुर्गेश पर दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस दिए, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है, इलर्निंग विद दुर्गेश, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। फिर साथ ही साथ इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश, इन सभी सेक्शन पर आप हमारे साथ जुड़कर आप एक बड़ी और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको लगता है मेरे साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दिया गया, वहां पे जुड़कर जानकर ऑनलाइन क्लास संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़नी है, कैसे तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।